और चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। शहर के गंजपारा मोड़ नेशनल हाईवे में बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने बैठे मवेशियों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे दो मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बालोद के वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश यादव ने इलाज के बाद गौशाला भिजवाया। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। गौरतलब है कि शहर समेत हाईवे व स्टेट हाईवे में हर जगह मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। शासन प्रशासन के सुस्त रवैया और मवेशी पालकों की लापरवाही से आम जनता और मवेशी रोजाना दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये वही गंजपारा मोड़ है जहां पर अभी कुछ देर पहले तीन मवेशियों के ऊपर से ट्रक गुजर गया। आप देख सकते हैं कुछ लोग गायों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश यादव जी मौके पर पहुंचे हैं, जो लगातार शासन प्रशासन और समाज सेवियों से संपर्क बनाए हुए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत अंधा मोड़ है। इस मोड़ में ये पहली घटना नहीं है, ये करीब 8 से 10 घटना और कई गाय कई मवेशियों की मौत हो गई है। लेकिन इसके बाद भी बालोद प्रशासन बालोद नगर पालिका बिल्कुल सुस्त है और उनके सुस्त रवैये के चलते लगातार मवेशी जो हैं वो अपने प्राणों से हाथ धो रहे हैं। हमारे साथ राकेश यादव जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। यादव सर, बहुत ही दुखद विषय है, लगातार हादसे हो रहे हैं। बालोद शहर के चौक चौराहे में मवेशियों का झुंड बैठा रहता है, लेकिन पालिका प्रशासन द्वारा कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बहुत विभत्स घटना है, मन बहुत मर्माहत है। मैं नगर पालिका प्रशासन के अलावा हमारी भी जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर संवेदना की कमी है। हमारी गौ माता जिसका हम सब लोग पूजा करते हैं, मैं इस घटना से बहुत व्यथित हूँ कि आज इतनी बड़ी घटना हुई और एक हमारे श्रद्धा का केंद्र गौ माता जिसके प्रति पूरा समग्र हिंदू समाज करता है, लेकिन आज दुर्भाग्य से और आयरन ओर की जो गाड़ियाँ चलती है उन आयरन ओर की बेतरतीब गाड़ियाँ, प्रशासन को ऐसे गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। नगर पालिका की जिम्मेदारी है, ये भी तय है, और हम अपने सामाजिक दायित्व, लेकिन इसमें हमारे यहाँ के पुलिस प्रशासन को और परिवहन विभाग के लोगों को भी जिम्मेदारों को देखना चाहिए कि उन परिवहन करने वाले गाड़ियों में लोग दारू पी कर चलाते हैं, वाहन चालक की जगह में उनके हेल्पर लोग गाड़ी चलाते हैं, उसके कारण ही ऐसे बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं। मेरा जिला प्रशासन के लोगों से और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से अब करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि शहर में घुसते समय एक अंधी प्रतिस्पर्धा चल गई है कि मेरे को 3 घंटे के अंदर रायपुर पहुंचना है। आदमी मर जाए, गौ माता मर जाए, कोई मर जाए, इनको कोई लेना देना, ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। और ऐसे जो नियम विरोधी काम करने वाले वाहन चालक हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, ये मेरी प्रशासन से मांग है। सर, ये मवेशी के जो पालक हैं इनके भी उत्तरदायित्व तो बनती है कि जो पाल रहे हैं वो अपने गाय को बीच सड़क पर छोड़ देते हैं। मैं बोला ना आपको, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सारे केवल ये प्रशासनिक मामला नहीं है, ये केवल सरकारी मामला नहीं है, इसमें हम लोग भी दोषी हैं कि हम लोग अपनी मवेशियों को सड़क पर छोड़ देते हैं, अपनी गौ माता को छोड़ देते हैं और एक्सीडेंट होने के बाद उनके मालिकों का पता चलता है। सड़कों पर घूमते समय जब निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान जो है वो तीनों पक्ष को मिलकर निकालना पड़ेगा, तब जाकर इसका समाधान। आज एक बिना जमान का जानवर तड़प रहा है और दो जानवरों की मौत हो गई, इतना विभत्स दृश्य है कि मेरे शब्द जो हैं, मेरे शब्द विन्यास समाप्त हो गए हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी घटना है और ये पहली घटना नहीं है बालोद शहर के अंदर जब कोई मवेशी की मौत हुई होगी। मवेशियों का झुंड जो है वो शहर के चौक चौराहों पर बैठा रहता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर समाज से भी जो वर्ग हैं ये भी पहुँच गए हैं और लगातार मवेशी को उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो दो मवेशी हैं इनकी मौत हो गई है। लेकिन अब देखना यह होगा इस घटना के बाद कि शासन प्रशासन इस घटना के बाद कितना जागते हैं और कितने मवेशियों को 20 सड़कों से हटा पाते हैं। साधना न्यूज़ के लिए बालोद से संजय सोने।